मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है ये कैरी बैगन से डोरमेट। देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा बना हुआ है ये। लो नाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये तीन कलर के कैरी बैग हैं, व्हाइट कलर और लाल कलर और हरा कलर। तो आज मैं आपको इनसे एक डोरमेट बना के दिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं तीन तीन इंची के डिब्बे कट करूंगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम 3 इंची की लेंगे। तो हम 3-3 इंची के डिब्बे कट करेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंची की ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बड़ा डिब्बा हो जाएगा तो उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी। तो पहले इसे हम कट कर लेते हैं और इसी नाप के बाकी के डिब्बे कट करेंगे। इसकी सिलाई को हम कट कर देंगे। मैंने सिलाई को छोड़कर नाप किया था। देखिए तो ये मेरे डिब्बे कट के तैयार हैं। देखो डबल कट करेंगे ताकि एक साथ दो डिब्बे कट जाएं। तो इसी नाप के बाकी डिब्बों को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 8 डिब्बे इस कलर के कट किए हैं और 8 डिब्बे मैंने रेड कलर के कट किए हैं, 8, और ये व्हाइट कलर के तो आप कितने भी कट कर सकती हैं। तो देखिए 4 डिब्बे हम रेड कलर के और सफ़ेद सिलेंगे, 4 डिब्बे हम हरा और सफ़ेद सिलेंगे और 4 डिब्बे हम हरा और लाल सिलेंगे। जैसे मैंने ये रखे हैं सेम उसी तरीके से सिलने हैं। बाकी डिब्बों को हम व्हाइट कलर के ही सिलेंगे, सभी डिब्बों को व्हाइट कलर के डबल करके सिलेंगे। देखो ये डबल हैं, ये 2 हैं और इन दोनों को एक साथ सिलेंगे। तो देखिए अब हम इस तरीके से सिलेंगे इस डिब्बे को, इस कोने से लेकर। मैं आपको बड़ा बड़ा सिल के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तो मशीन से सिलाई करूँगी। देखिए इस तरह से सिलना है, तिकोना, आप देख रहे हैं तिकोना ही सिलना है। सभी डिब्बों को ऐसे ही सिलना है तिकोना, ये मैंने रखे हैं। तो पहले ऐसे ही हम इसे मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये सभी डिब्बों को सिल लिया है। देखो तो अब इसके इसकी डिजाइन बनाने के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये पहले तो चौकोर कपड़ा कट किया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 14.5 इंची और इसकी लंबाई है 20 इंची। इसकी लंबाई 20 इंची है और चौड़ाई 14.5 इंची। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहती हैं तो वो भी कपड़ा कट कर लें अपने हिसाब से, बड़ा या छोटा वो भी बना सकती हैं इस तरीके का डोरमेट। तो पहले हम व्हाइट कलर के डिब्बे लेंगे इस तरीके से और इन्हें हम ऐसे खोलेंगे। देखिए व्हाइट कलर के डिब्बों को हम इस तरीके से करेंगे ऐसे। मैंने ये खोल लिया है इस तरीके से। अब इस पे हम आरपिन लगा देती हूँ मैं। ऐसे ही पहली लाइन हम व्हाइट कलर के डिब्बों से ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इसमें भी मैं आरपिन लगा देती हूँ। ये लाइन हम व्हाइट कलर के डिब्बों से ही बनाएंगे। अब मैं ऐसा डिब्बा लूंगी, जो मैंने 4 डिब्बे ऐसे बनाए थे वो वाला लूंगी और इस तरीके से लगा दूंगी। ये भी मैं अभी पिन से अटैच कर रही हूँ। अब मैं जो व्हाइट कलर का डिब्बा मैंने और रेड कलर का सिला था उसे लूंगी, उसे मैं इस तरीके से लगाऊंगी। देखिए इसे भी मैं पिन से अटैच कर रही हूँ। अब मैं 7 डिब्बा व्हाइट कलर का लगाऊंगी।
सेवी पिन से अटैच कर रही हूँ। तो पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इस सभी की सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने आधा ये सिल लिया है, आधा अभी बाकी है, तो मैं आपको इस तरीके से लगा कर दिखा रही हूँ। तो अब देखिए मैंने ये आधा डिब्बा आर पिन से अटैच कर दिया है। जैसे हमने ये सिला था वैसे ही इसे भी हम सिल लेते हैं। आप मेरी तरह ही डिब्बे को लगाना। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगी तो आपकी समझ में बहुत जल्दी सी आ जाएगी और झट से आप बनाकर तैयार कर लेंगी मेरी तरह ये डोरमैट। तो देखिए मैंने पूरी डिजाइन को बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसकी किनारियों को सेट कर लेते हैं। हल्का हल्का छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये किनारी को जो गोटा रखेंगे उसमें आ जाएगी। इसे मैंने छोड़ दिया है, देखो ऐसे ही चारों तरफ से सेट करेंगे। आपको निशान लगा हुआ दिख रहा होगा। अब इसे मैं अंडा आकार का करूंगी, इसलिए मैंने ये निशान लगाया है। और यहाँ से इस तरह से हम कट कर देंगे। तो अब इस पे हम किनारी रखेंगे। तो देखिए मैंने 3 इंची की ये पट्टी कट की है इसकी किनारी रखने के लिए, और ये 3 इंची का मैंने कपड़ा कट किया है। इसकी लेस बनाऊंगी मैं चुन्नट वाली। तो देखिए अब इसकी हम किनारी लगाएंगे। किनारी हम व्हाइट कलर से ही लगाएंगे, इस वाले कलर से ही लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा हो तो कपड़े की भी रख सकती हैं, और कैरी बैग हो तो कैरी बैग की भी लगा सकती हैं। और फिर इसकी लेस बनाएंगे चुन्नट वाली, उसकी लेस रखेंगे इस पर। तो पहले हम किनारी को इस तरीके से रखेंगे। इसे हम डबल करेंगे और उल्टी तरफ से ऐसे डबल करेंगे। देखो मैं आर पिन से बता रही हूँ आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। ये आप देख रहे हैं मैंने आर पिन से सिलाई की है इस पर। अब इसे सीधी करके और अपनी तरफ ऐसे होल्ड कर लेंगे। तो फिर दोबारा से इसके किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे पहले मैं इस पे लेस लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी किनारी रख ली है, दोनों तरफ से देखना इसकी किनारी मैंने सेट कर ली है। तो अब इस पे हम लेस रखेंगे झल्लर वाली। देखिए चुन्नट वाली लेस मैंने बना के तैयार कर ली है कपड़े में से। देखो ये मैंने इस तरीके से चुन्नट पारती गई हूँ मैं और इस पे सिलाई करती गई हूँ। तो अब हम इस तरीके से इस पे सिलाई करेंगे डोरमैट। तो देखिए इस तरीके से इसे हम सिलना है, हमें इसके किनारी किनारी पे सिलाई करनी है। यहाँ पे किनारी किनारी पे सिलाई करेंगे और ये झल्लर पीछे की तरफ लगानी है हमें, देखो इस तरीके से। तो पहले इसकी भी सिलाई कर लेते हैं हम। तो देखिए ये मेरा डोरमैट, इसमें झल्लर भी लग गई है और ये बनके तैयार भी हो गया है।